रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट कॉमर्स एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट के गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गईं उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है।